यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझें और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुँचेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ सहयोगी मेरे साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी प्रार्थना का यहाँ अवसर रखा है और मैं खुश हूँ और सुख शांति का माहौल बने रहे उसी के लिए मेरी प्रार्थना है। बांडा जी, अमेठी से आपके नाम की चर्चा चल रही है, पूरे देश के हर कोने से चल रही है, पुकार है, वो मेरी मेहनत को समझते हैं, जो मेरा धार्मिक दौरा होता है उसको भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, उनके क्षेत्र से आऊं और उनकी प्रगति हो और जो भी उनकी समस्या है उसका उसका समाधान मैं ढूंढूंगा। मैं चाहे मैं राजनीति में हूं या नहीं हूं, चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं, पर मैं मेहनत करता रहूंगा और देश के लिए, देश के लोगों के लिए और एक सेक्युलर गवर्नमेंट मेरी सोच वो है। और पर अभी तो प्रियंका और राहुल हैं तो उनकी मेहनत को समझो और जो बदलाव का माहौल है उसमें मैं भी शामिल होऊंगा और पूरा परिवार पूरी मेहनत लगन से काम करेंगे। हाँ बाटा जी, आज मथुरा में है, बांके बिहारी के दर्शन किए, अयोध्या का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा, राम मंदिर बना, हाँ मथुरा जी, को किस तरह से देखना है? मैं हर जगह को एक ही तरफ से देखता हूँ और ज़रूर इसमें राजनीति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब भी किसी को परेशानी होती है वो अपने भगवान को याद करते हैं, किसी नेता या किसी पार्टी को याद नहीं करते हैं और जब भी वो मुश्किल में होते हैं वो अपने भगवान को याद करके अपनी जो उनका हौसला बढ़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एनडी गठबंधन कितने सीटें लेने जा रही है? अब वो बिहारी राजनीति में नहीं हो, वो के बस प्रार्थना हुई है कि सब कुशल मंगल रहे और सब खुश रहें। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर सनातन विरोधी का आरोप लगाती रहती है, क्या माना जाए आप यहाँ पर आए हैं? वो उनके प्रचार करने का तरीका है, पर मुझे पता है मेरे परिवार पूरा हर भेदभाव से दूर रहते हैं और सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को सेक्युलर रखेंगे, दो मेरी ये लाखों की सोच जोड़ी कितना कमाल करेगी? आओ ना जी, आप मैं यही कहूँगा कि देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जो नए गठबंधन बनाए उसके बारे में उसको मजबूत रखेंगे और राहुल और प्रियंका पूरी मेहनत करेंगे और मन लगन से लोगों के बीच में होगी, जो भी उनका समाधान मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढेंगे।